लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा है। किसानों के हजारों हेक्टेयर फसल जो है वो खराब हुई है। माझा बेल्ट के दर्जनों गांव में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लोगों को गांव से निकालने की कोई व्यवस्था तक नहीं। बहादुरपुर गांव के प्राइमरी स्कूल में पानी भर चुका है। बुजुर्ग बच्चे महिलाएं घर से पलायन को मजबूर हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन जो है वो नाकाम दिख रहा है। तो लगातार देखिए बाढ़ की वजह से यहाँ पर लोग अपने अपने घरों को छोड़ पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की मदद के लिए प्रशासन अभी भी मुखदर्शक। यहाँ पर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। स्कूलों में पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी, बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सब पलायन को मजबूर। लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए कोई इंतजाम ही यहाँ पर नहीं है। लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा। पहाड़ों पर हुई बरसात के बाद घाघरा नदी अपने पूरे उफान पर है। इस समय जो नदी का जलस्तर है वो करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर है, जो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है। और इसके अलावा जो पानी का रिसाव है वो आप देख सकते होंगे कि पानी का बहाव कितनी तेज़ है। और हम इस समय बहादुरपुर गांव में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल में किस तरह से पानी भर रहा है, किस तरह से यहाँ पे पानी आ रहा है और कितनी तेज़ी से उसका वेग है, आप सामने देख पा रहे होंगे सीधे जहाँ पे बिजली का खंभा लगा हुआ है, कितनी तेज़ी से पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। पूरे स्कूल को उसने अपने आगोश में ले रखा है। ये चूँकि काफ़ी दूर का गाँव पड़ता है, जबकि जो बहादुरपुर माझा है, बहादुरपुर डीहवा, ऐसे कई गाँव हैं जो सैकड़ों की संख्या में गाँव जो ऐसे हैं जहाँ पे इस समय पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। एक बार पहले भी यहाँ के जो लोग हैं वो बाढ़ की आपदा का दंड झेल चुके हैं, लेकिन जिस तरह से 7.5 लाख क्यूसेक से ऊपर ज्यादा पानी घाघरा नदी में छोड़ा गया, इसके बाद खासतौर पे गोंडा जिले के कई गांवों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अभी ये शुरुआत है, आगे और हम गांव में जाएंगे, वहां का भी आपको दृश्य दिखाएंगे कि और अब ये स्थिति है कि इस समय बहुत ज्यादा पानी है। लगता है कि सारी ऑफिस कमरों में पानी अंदर प्रवेश कर जाएगा, इतना ज्यादा पानी हो गया। लोगों की फसलें जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबी है। लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं बचा। लोग जैसे तैसे आकर के पलायन कर रहे हैं गाँव से और आकर के सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। और राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। राजेश, ये हालात है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर क्या है, क्या कर रहा प्रशासन यहाँ का? देखिए शिवांगी, व्यवस्थाओं के नाम पर गोंडा में यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते होंगे दूर दूर तक जहाँ से भी आप देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम इस समय खुद बहादुरपुर का माझा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो इस समय टीले नुमा जो उनका मकान है वहां पे केवल आकर के हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि कई परिवार जो ऐसे हैं वो यहीं पे हैं, इसी घर में अपने जा करके इन्होंने जो मकान बना रखा है उसके ऊपर ये लोग रह रहे हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बाढ़ चौकियां हैं वो कहीं कोई काम कर नहीं रही है। न यहाँ पर लेखपाल आए हैं, ना तहसीलदार आए हैं, ना डीएम आए हैं। लोगों को केवल मदद की इंतजार है। आप देख सकते होंगे एक मेरे दाहिने बाएं हाथ पे ही एक नाव आई हुई है जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे इसकी व्यवस्था की है और वहां से नाव पे आ करके यहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ले जाया जा रहा है। ये आपको एक दूधिया दिख रहा होगा, ये दूधिया एक बगल से दाहिने हाथ पे 20 लीटर दूध लिए हुए है और ये बोरी में दूध लेकर के ये तैरते हुए जा रहा है। तो ये व्यवस्थाएं आप साफ तौर पर देख सकते होंगे दूर दूर तक। जहां भी आपको दूर एक सांड दिख रहा होगा खड़ा हुआ है, वो भी एक ऊंचे स्थान की तलाश में, चूंकि पूरा का पूरा जो इलाका है वो 7.5 लाख क्यूसेक पानी से पूरी तरीके से डूब चुका है और कई गांव ऐसे हैं जो कई किलोमीटर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक नाव तक यहाँ पे इलाके में नहीं लगाई गई है कि लोगों को, जो लोग यहाँ पे फंसे हुए उनको बाहर निकाला जा सके। तो आप साफ तौर पर ये हालात जो है ये खुद कैमरे में आप देख सकती होंगी कि किस तरह के हालात इस समय गोंडा में है। जी सिवा राजेश, भयावह स्थिति यहाँ पर, चारों तरफ पानी के बीच से होकर गुजरते तैरते लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे, लेकिन यहाँ पर जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं किस तरीके से अपना गुजर बसर करते होंगे? या तो रहने के लिए जमीन ही नहीं उनके पास। बिल्कुल शिवांगी, चूंकि पूरा इलाका जो है ये आप जब देख लें यहाँ पे दूर दूर तक कि ना तो कहीं धान की फसल, ना कहीं मतलब गन्ने की फसल, कहीं आपको दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, सड़क के किनारे किनारे जिस तरह से पानी है, जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जानवर देखिए किस तरह से बाढ़ के पानी में उतराते हुए आ रहे हैं। हाँ। और जो बच्चे हैं वो अपने घरों में कैद हैं और जाकर के जो छत है उसी पे जाकर के रह रहे हैं। उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से एक प्रकार से मचान, अगर कह लीजिए कि मचान पे उनकी जिंदगी इस समय है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सुध लेने वाला नहीं है। कोई यहाँ झांकने तक नहीं आया, कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुंचा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। भाई साहब ये बताइए, आप लोग कितने दिन से यहाँ पे हैं दादा, और यहाँ पे क्या कोई आया है अभी तक? क्यों नहीं आओ भैया, क्यों नहीं आओ थे? क्यों नहीं आ रहा है? तो बच्चे परिवार आप लोग कहाँ भेज रहे हैं? परेशान है सब, कहा बाटे सब पानी में है। हाँ बैठा है। उधर कितने घर है जो लोग वहाँ फंसे? बहुत घर है। हाँ बहुत घर है। आप इसी गाँव के रहने वाले? क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है यहाँ की। कोई भी प्रशासन देखने तक नहीं आया यहाँ पे कि लोग है कि नहीं है। मानो प्रधान जी तो नाव की व्यवस्था कराए हैं, लेकिन अब नाव लेकर थोड़ी कुछ काम बनेगा। सरकार से कोई राहत मिली? कोई नाव यहाँ पे आई? कोई झांकने आया? कोई नहीं मिली जी, कोई झांकने तक नहीं आया। शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऊंचा स्थान कहीं दूर दूर तक कहीं है? कहीं नहीं।
तो शिवांगी ये है स्थिति गोंडा की, खासतौर पे 7.5 लाख क्यूसेक पानी जब से यहाँ पे आया है उसके बाद से लगातार हालात जो है वो भयावह होते जा रहे हैं। लोगों की दिक्कत से किसी को मतलब ही नहीं यहाँ पर। राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार।